नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, आज आप हमें कोई कहानी सुनाएंगी या कविता सिखाएंगी? अरे धीरज रखो धीरज रखो, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चोर का बलिदान। चोर का बलिदान? दीदी भला चोर भी अपना बलिदान देता है? चोर तो दूसरों का सामान चुराता है ना? ये जानने के लिए तो आपको कहानी सुननी होगी। सुनाइए ना फिर जल्दी से। तो हमारी कहानी शुरू होती है तीन मित्रों से। ये नौजवान थे परंतु तीनों के तीनों एकदम निठल्ले। उनमें से कोई भी कुछ काम नहीं करता था। दिन भर घर में ही रहते और दिन भर घर वालों की खरी खोटी सुनते थे। घर में बिना काम के पड़े रहने के कारण रोज रोज छोटी से छोटी बातों पे भी उन्हें अपने पिताजी से डांट खानी पड़ती थी। एक दिन तीनों शाम को इकट्ठे बैठे थे। एक मित्र बोला, जानते हो आज मेरे हाथ से गलती से पानी का गिलास फिसल कर गिर गया। इतनी सी बात पे मेरे पिताजी ने मुझे सबके सामने जोर से ताना दे डाला। बोले, अरे नालायक, क्या करते हो तुम दिन भर यहाँ बैठकर? बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ते हो? इतने बड़े हो गए हो, खुद के लिए कुछ काम भी खोजो। ये घर आगे तुम्हें चलाना है। इस पर दूसरा बोला, मेरे घर पे भी यही हाल है मित्र। बार बार यही बात सुन सुन कर मैं भी तंग आ गया हूँ। तीनों ने इस पर इस बार काफी देर चर्चा की, फिर अपने आप को साबित करने की मन में ठानी। हमने ठान लिया है पिताजी, अब हम घर कुछ कमा कर ही आएंगे। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ वे अगली सुबह सुबह घर से बिना किसी को बताए निकल गए। वे चलते रहे और रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। घने जंगल को पार करके वे एक पहाड़ी पर पहुंच गए। वह पहाड़ी रत्नों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न पाए जाते थे। दीदी, क्या वहां पर हीरे भी मिलते थे? हाँ बच्चों, बड़े बड़े चमकते हीरे, लाल गहरे रूबी भी मिलते थे। वाह! अब तीनों उस पहाड़ी पर रत्नों की खोज करने में लग गए। सौभाग्य से तीनों को एक एक रत्न भी मिल गया। परंतु उन्हें ये भी मालूम था कि घर जाने के लिए फिर से घनघोर जंगल को पार करना पड़ेगा और रास्ते में चोर डाकू उन पर कोई भी हमला कर सकता है, उनसे रत्न छीन सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, रत्न को निकलकर अपने पेट में डालने की ठानी। और जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? जब वे रत्न निगल रहे थे, उन्हें ऐसा करते हुए एक चोर ने देख लिया। वह मंद मंद मुस्काया और उसने सोचा, अब तो बड़े आसानी से ये तीनों रत्न मेरे हो सकते हैं। मैं इन्हीं का दोस्त होने का ढोंग करके मौका आने पर रत्न की बात चला दूंगा और उन्हें देखने की जिद करने लगूंगा। जैसे ही ये पेट से रत्न निकालेंगे, वैसे ही चाकू दिखाकर छीन लूंगा और भाग जाऊंगा। ओह, ये चोर तो बड़ा शातिर निकला दीदी, क्या वह सच्ची में तीनों के रत्न छीन लेगा? ये तो तुम्हें आगे की कहानी में पता चलेगा ना। फिर वह चोर तीनों दोस्तों के पास गया और उन्हीं की तरह अपने को मुसाफिर बताकर उनसे दोस्ती कर ली और अब चारों साथ साथ गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते अंधेरा पड़ने लगा। फिर तीनों दोस्त और वह चोर रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में रुकने की सोचने लगे। वहां वे गांव के मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया ने सबका बड़े अच्छे से स्वागत किया, उन्हें भोजन खिलाया और उनकी खातिरदारी की। चारों बड़े खुश हुए। वाह, चारों को तो मजा आ गया, पर अभी तक चोर ने भी कुछ गड़बड़ नहीं की है। पर जिस गांव के मुखिया के घर में वे रुके थे, उसके घर में एक ज्ञानी तोता भी रहता था जो सबके मन की बात जान लेता था। वो तोता तीनों मित्रों को देखकर बोल पड़ा, मुसाफिरों के पास रत्न है, मुसाफिरों के पास रत्न है। वैसे तो मुखिया बड़े अच्छे से मेहमानों की खातिर कर रहा था, पर तोते की इस बात को सुनकर उसके मन में लालच आ गया। अब मुखिया के अंदर का शैतान जाग गया और अभी तक जिन मेहमानों की वो इतनी खातिर कर रहा था, उन चारों को पकड़कर बांध दिया उसने और उनके सर से पैर तक तलाशी लेनी शुरू कर दी, पर उसे कुछ मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला
तो बिना कोई वजह से अपने मेहमानों को अपमानित करने के कारण उसको खुद पे बड़ी शर्म महसूस होने लगी और उसने चारों से माफी मांगी। फिर क्रोधित होकर तोते की तरफ देखा। तोता मुखिया के गुस्से से डर गया और फिर से बोल पड़ा, मुखिया चतुर था, वह अपने तोते की बात समझ गया। अब मुखिया ने एक बड़ा सा चाकू उठाया और उन चारों से बोला, तो ऐसे छुपाकर बैठे थे तुम रत्न, अब एक एक करके मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा पेट चीर कर ही रत्न निकालूंगा। तीनों मित्र एकदम घबरा गए, लेकिन चोर बुद्धिमान था। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब तो ये मुखिया हम चारों को ही मार डालेगा और मुझ में से तो इसे कोई रत्न भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्यों ना मरते मरते मैं कोई अच्छा काम ही कर जाऊं, मरना तो है ही, मेरे पेट में तो कोई रत्न है नहीं। अगर मुखिया पहले मुझे मारेगा और पेट में कुछ नहीं मिलेगा तो शायद ये बाकी तीनों को छोड़ दे। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ा और कहा, मुखिया जी मेरा यकीन मानिए, हम तीनों के पास कोई भी रत्न नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे पेट को चीर कर देख लो। मुखिया ने आव देखा न ताव और बिन एक भी क्षण सोचे बेझिझक आगे बढ़ा और अपने लंबे चाकू से चोर के पेट को चीर डाला। दीदी चोर मर गया? हाँ, पर जानते हो क्या हुआ, चोर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कैसे दीदी? वो ऐसे कि जब चोर के पेट से मुखिया को कोई रत्न नहीं मिला तो मुखिया को होश आया। उसे लगा कि तोते की बातों में आकर उसने बड़ी भूल कर दी है और उसे अपने किए पर घोर पश्चाताप हुआ। तोता बार बार बोल रहा था, पर अब एक आदमी को बिना बात मारे बाद मुखिया की बाकी लोगों को इसी प्रकार मारकर और पाप नहीं करने की हिम्मत थी। लालच में वह कितना अंधा हो गया था, यह सोच उसे अपने किए पर बहुत शर्म आई और उसने रोते हुए तीनों मित्रों से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर अगले दिन तीनों मित्रों और मुखिया ने पूरे सम्मान के साथ चोर का क्रियाक्रम किया और तीनों मित्रों ने उस गांव से विदा ली। बेचारा चोर आया तो चाकू की नोक पर डरा धमका कर तीनों से रत्न छीनने का था, यानी उनका दुश्मन था, पर अपनी मर्जी से ही उसने उन तीनों अनजान व्यक्तियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सचमुच यह चोर तो भले ही चोरी करता हो या कितना ही बड़ा ठग हो, पर मूर्ख न था। चोर होकर भी इसने एकदम स्वार्थ रहित निर्णय लेकर खुद का बलिदान किया। और वहीं गांव का मुखिया कितना भला आदमी प्रतीत हो रहा था, अतिथियों का स्वागत सत्कार करने वाला, परंतु कितना लालची और मूर्ख था। मायावी तोते की बात जानकर भी वह रत्न प्राप्त न कर पाया, ऊपर से निर्दोष व्यक्ति की हत्या का पाप सर लिया जो अलग। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं बच्चों कि मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन भी ज्यादा अच्छे होते हैं। सही बात है दीदी, ये तो बहुत अच्छी सीख दी आपने हमें। हमें सचमुच अपने दोस्त बड़ी सावधानी से परख कर बनाने चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही, अगली बार नए किस्से नई कहानी और कविताओं के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।